आने वाले जनवरी 19 को इस देश के प्रधानमंत्री सन्मान्य नरेंद्र मोदी जी कलबुर्गी जिला के सेडम तालुके के मान्य केट को आने वाले हैं। एक सबसे बड़ा जो मतलब लोगों का विनंती था, खास करके तांडास में सबसे बड़ा उनका विनंती ये था कि हमको ज़मीन का कागजात दो ताकि हम उसके हकदार बने। और इधर उधर हर गांव के बाहर है ना तांडा वगैरह रहते थे, ये बहुत सालों से आ रहा है, लेकिन वो रेवेन्यू विलेज को कन्वर्ट करना, उनको हक पत्र देना, ये सभी है ना अनेक वर्षों से हम बोलते आ रहे हैं। लेकिन मैं खुशी से बोल रहा हूँ कि ये चीज़ ऑलरेडी हमारा स्टेट गवर्नमेंट ने इसको मान्यता दिया है और वो घोषणा भी किए हैं कि हम कंदाय विलेज को हम कन्वर्ट करेंगे। इसमें अशोक साहब का और हमारे मुख्यमंत्री बोम्मई साहब का बहुत बड़ा योगदान है। दिस वीडियो इज स्पॉन्सर्ड बाय महालक्ष्मी ज्वेलर्स, यूनाइटेड हॉस्पिटल, केबीएन यूनिवर्सिटी, शाहीन ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस, फाइन आर्ट डिजाइनर्स, चुलबुल फर्नीचर एंड लाइटिंग, स्पार्कल्स इंटरनेशनल स्कूल, एमडीलीज प्रीमियम केक्स एंड डिजर्ट्स एंड बाय आदर स्टेटर्स। 19 को माननीय प्रधानमंत्री यहाँ पर आने के बाद तांडा और कंदाय ग्राम के कन्वर्ट करके वहाँ के पलानुभवी को सर्टिफिकेट देने वाले हैं। वहाँ पर लगभग 51,900 लोगों को सर्टिफिकेट देने वाले हैं और लगभग 5,00,000 लोग उस कार्यक्रम में शामिल होंगे। और ये इतना बड़ा प्रोग्राम देश में पहली बार होने जा रहा है, ये बुक ऑफ रिकॉर्ड्स, गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड में शामिल होने जा रहा है। तो उसके तैयारी भी बहुत ज़ोर से चल रहा है। यस्टरडे हम वहाँ पर जगह का विजिट भी किया है। वो लोगों को लाने के लिए 2,500 बसेस का व्यवस्था किया है, 10,000 जीप और कार का व्यवस्था किया है, लगभग 5,00,000 लोगों को बैठने का व्यवस्था, खाना पीना पानी का व्यवस्था सब वहाँ पर करने के लिए यहाँ के डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन तैयार करे हैं। हम भी वहाँ पर 2-3 दिन से काम पे लगे हैं। आने वाले 19 को सब लोगों को हम आपके तरफ से भी निर्देश देते हैं कि कलबुर्गी की हमारा माननीय प्रधानमंत्री जी आ रहा है तो सब लोग आके उस कार्यक्रम में शामिल हो और उस कार्यक्रम को यशस्वी करें। और ये जो कार्यक्रम अभी हमारे यहाँ हमारे खास करके गुलबर्गा ज़िले में हम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी 19 तारीख को गुलबर्गा आ रहे, गुलबर्गा से वो UKP वहाँ पे जाएंगे, फिर वापस गुलबर्गा आके वो मलखेड़ आएंगे। वहाँ पे इसलिए मलखेड़ में रखा है कि हमारे यहाँ हमारे ज़िले में जो तांडा ज़्यादा है वो तांडा है ना चिंचोली में है, सेडम में है, उधर है। तो वो तांडा के जो लोग आने के लिए सुविधा करने के लिए और हाईवे पे भी काफ़ी 50-60 एकड़ का जगह चाहिए, कम से कम 1.5-2 लाख लोग उधर आएंगे उस काम के लिए। उसके लिए हमने आज एक पत्रिका गोष्ठी हमारे दोस्त ने किया है और बहुत बड़े पैमाने में लोग आने का निरीक्षा भी है। एक तो फलानुभवी जो बेनिफिशरीज है वो लोग जल जीवन मिशन का भी बेनिफिशरी जो भी है उनको भी बुलाएंगे और ये हमारे ये तांडा के जो ये हक पत्र देना है उनको भी बुलाएंगे ताकि हम ये बड़े पैमाने में मोदी जी के हाथ से ये कर रहे हैं। और मैं समझता हूँ ये बहुत बड़ा काम है, इतने बड़े पैमाने में लोगों को उनका ज़मीन का हक पत्र देने का ये पहली बार हो रहा है। तो इसमें मैं विनती करता हूँ कि आपके माध्यम से दूसरी तरह से सभी लोग बड़े पैमाने में आए और मोदी जी का ये कार्यक्रम यशस्वी करें। सर, वो लोगों को जाति प्रमाण पत्र के लिए भी प्रॉब्लम कई सारे फेस कर रहे हैं, वो लोग तो उसके लिए जाति प्रमाण पत्र उसके लिए भी समस्या आ रही है, उसके लिए परिवर्तन नहीं हल। अभी 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 मसलन गोंडे कोरबा का जो विषय है, मैंने भी सदन में वो समस्या उठाया था। गोंडे कोरबा काफ़ी सालों से स्वतंत्र पहले से है ना इस भाग में जो कुरबा है उसमें गोंडे कुरबा एक सबसेक्ट है, उसका बीदर में वो सर्टिफिकेट दे रहे हैं लेकिन वो सर्टिफिकेट गुलबर्गा में नहीं दिया जा रहा है। उसमें कम से कम 25-30 लोग जो गवर्नमेंट जॉब उनको मिला है और उनको जो फाइनली जो जाति पत्र जो देना था वो नहीं दिया, इसलिए उनको नौकरी से कुछ लोगों को हाथ धोना पड़ा और कुछ लोग अभी भी उस निरीक्षा में हैं। इसके बारे में हम CM साहब को भी बताएँ
और परसों है ना सदन में मैं ये क्वेश्चन रेज किया था, हमारे कोटा श्रीनिवास पूजार है ना इमीडिएटली बोल दिया कि हम अधिकारी को बोलेंगे और इस ये हक पत्र ये मतलब कास्ट सर्टिफिकेट देने का एक व्यवस्था भी करेंगे। मेरा इतना ही कहना है कि उसमें कोई रुकावट नहीं होना चाहिए, ये हम विनंती कर रहे हैं। और मैं समझता हूँ, मैं डीसी को भी ये बात मैं मतलब एक बार बोला हूँ, फिर भी एक मेमोरेंडम दे के बोलता हूँ, लेकिन हमारा विनंती है कि मुख्यमंत्री या नहीं तो कोटा श्रीनिवास पूजार जो संबंध वो संबंध के जो सचिव हैं जो हमारे सीएम हैं उनके मुंह से बोल के ये मैं काम करवाऊंगा। वैसे और भी कुछ जातियों का ये सर्टिफिकेट का मामला पेंडिंग है, लेकिन वो हल करेंगे। दिस वीडियो इज स्पॉन्सर्ड बाय महालक्ष्मी ज्वेलर्स, यूनाइटेड हॉस्पिटल, केबीएन यूनिवर्सिटी, शाहीन ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस, फाइन आर्ट डिजाइनर्स, चुलबुल फर्नीचर एंड लाइटिंग, स्पार्कल्स इंटरनेशनल स्कूल, एमडी लीज प्रीमियम केक्स एंड डिजर्ट्स, एंड बाय आदर्श ट्रेडर्स।